हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे जुलाई में होने वाले सीटेट एग्जाम से जुड़ी कुछ जरूरी बातें। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं, क्योंकि यहाँ पर होगी सिर्फ और सिर्फ मुद्दे की बात। इस एग्जाम को लेकर आपके मन में काफी सवाल उठ रहे होंगे, जैसे कि सरकार ने किस तरह के इंतजाम किए हैं, एग्जाम सेंटर की तैयारी कैसी होगी और सभी स्टूडेंट्स को किन किन बातों का ख्याल रखना है। तो सबसे पहली जरूरी बात कि मास्क लगाना अनिवार्य है। मास्क लगाकर ही आपको एग्जाम सेंटर पर एंट्री करनी है और सैनिटाइजर की फैसिलिटी आपको हर एग्जाम सेंटर पर मिल जाएगी और सैनिटाइजर का यूज करने के बाद आपको क्लास में एंट्री मिल जाएगी। सीटेट एग्जाम को लेकर काफी सावधानी रखी जा रही है, इसके लिए अभी से तैयारी शुरू कर दी गई है। बोर्ड ने सभी केंद्रों को जून में अंतिम सप्ताह तक पूरा परिसर सैनिटाइज करने का निर्देश दिया है और जिन स्कूल परिसर को क्वारंटाइन सेंटर बनाया गया था वहां के हर कमरे की अच्छी तरह से सफाई करने को कहा गया है। और आप जानते हैं सीटेट एग्जाम होने वाला है 5 जुलाई को। इस बार प्रदेश के लगभग सभी जिला मुख्यालयों में परीक्षा केंद्र बनाया जाएगा, जिससे कि विद्यार्थियों को एक शहर से दूसरे शहर ना जाना पड़े और परीक्षा के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो, उसके लिए भी एग्जाम सेंटर्स की जो संख्या है उसको बढ़ाया गया है। हर क्लास के अंदर 12 से लेकर 20 बच्चे बैठ पाएंगे। हर बच्चे के बीच में जो दूरी होगी वो होगी 4 से 5 फीट। सीटेट एग्जाम को 2 शिफ्ट में कराया जाएगा। 1 से 5वीं तक के लिए फर्स्ट पेपर होगा, वहीं सेकेंड पेपर 6ठी से 8वीं तक के लिए होगा। जिस बात का आपको सबसे ज्यादा ध्यान रखना है वो ये है कि एग्जाम सेंटर पर आपको 2 घंटे पहले पहुंचना है। पहले बुलाने का कारण ये है कि वहां पर भीड़ इकट्ठा ना हो। अगर भीड़ होती है तो वहां पे वायरस का फैलने का खतरा सबसे ज्यादा होगा। तो जैसे ही आप एग्जाम सेंटर पहुंच जाते हैं उसके बाद आपको बाहर वेट नहीं करना है, आपको सीधा मेन गेट से एंट्री करनी है। एक बात का और आपको ध्यान रखना है कि आपको ज्योमेट्री बॉक्स कैरी नहीं करना है। मैं बात कर रहा हूँ ज्योमेट्री बॉक्स की, ना कि अंदर के सामान की। ज्योमेट्री बॉक्स की जगह आपको कैरी करनी है एक ट्रांसपेरेंट थैली, जिसके आर पार साफ साफ दिखाई दे। और जब भी मेन गेट से एंट्री करें तो उस थैली में आप अपना स्टेशनरी आइटम डाल लें, जिससे कि बाहर से ही उसकी जांच हो सके। तो चलिए आज की वीडियो के लिए इतना ही। मिलते हैं एक नई वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।